हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल्स के पार्ट्स एंड फंक्शन का आखिरी पार्ट, और ये आखिरी पार्ट होगा हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है इसके बारे में आपने सुना है, हमारे बॉडी में जितने भी सेल पाए जाते हैं उन सभी सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है। अगर मैं बात करूं एक एक्सेप्शनल केस को छोड़ करके, तो वह है आपका मैच्योर आरबीसी। लेकिन ये जो न्यूक्लियस है वो क्या है? न्यूक्लियस आपकी सेल का एक ऐसा अभिन्न हिस्सा है जिसमें आने वाले समय में जो जनरेशन आएगी वो कैसी आएगी, क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर उसके में जाएगा, इन सब का इंफॉर्मेशन वो अपने पास रखता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो न्यूक्लियस है वो एक प्रकार से जेनेटिक इंफॉर्मेशन, हेरिडिटरी मटेरियल्स का पूरी तरह से कलेक्शन है, और यहीं पे उनका आगे आने वाले समय में कलेक्शन के बाद जो उसका एक्सप्रेशन होगा, रेप्लिकेशन होगा, वो यहां से पूरा हो पाएगा। तो चलिए देखते हैं कुछ उस बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। न्यूक्लियस है द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द सेल, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक है हमारा ये न्यूक्लियस। दीज आर आइदर ओवल और स्फेरिकल शेप, या ये तो ओवल शेप में होते हैं या तो स्फेरिकल शेप में होते हैं, और इनका जो बेसिक फंक्शन है वो ये कहता है कि आपके सेल के जेनेटिक मटेरियल को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लेकर के जाए। और दूसरा जो पॉइंट जो आपके एमसीक्यूज के लिए जरूरी है वो कहता है एवरी सेल इन द बॉडी कंटेन न्यूक्लियस एक्सेप्ट मैच्योर आरबीसी। ये वाला लाइन आप जरूर याद रखिएगा, इसलिए मैंने कलर में चेंज किया हुआ है, एक्सेप्ट मैच्योर आरबीसी। प्लेन आरबीसी की बात आप नहीं कर रहे हो, इमेच्योर आरबीसी जब होता है, जब बनता है एरिथ्रोप्रोसिस का प्रोसेस, वहां पे उसमें न्यूक्लियस होता है, बट जब वो आरबीसी मैच्योर हो जाता है तब उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। इसलिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसमें न्यूक्लियस होता है और किसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ऐसा दो क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो मैच्योर या इमेच्योर ये बहुत ध्यान दीजिएगा, मैच्योर में नहीं होता, इमेच्योर में होता है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद अगला पॉइंट कहता है न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय अ डबल लेयर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस है वो दो लेयर के मेम्ब्रेन से कवर होता है, और ये तो हमने आपके पहले वाले पार्ट में जिसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, इसमें भी देखा हुआ है। और ये जो दो मेम्ब्रेन का कवर हुआ होता है इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। पहले देखा था हमने सेल मेम्ब्रेन क्योंकि वो ओवरऑल सेल का मेम्ब्रेन था, यहां पे हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिकॉज दिस मेम्ब्रेन कवर्स ओनली न्यूक्लियस पार्ट ऑफ योर सेल, नॉट ओवरऑल द सेल, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब यहां पे एक चीज और देखिए, व्हिच इज सिमिलर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी को सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या तो सेल मेम्ब्रेन से सिमिलर होता है, लेकिन उसमें एक खास बात अलग होती है कि इस पे यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में छोटे-छोटे परफोरेशन होते हैं, मतलब छोटे-छोटे एक प्रकार से बोल लीजिए कि होल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और इन्हीं होल लाइक स्ट्रक्चर से वो क्या करने का काम करता है, उन्हीं से ये रेगुलेट करता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस को अक्रॉस या बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन आपको याद है, सेलेक्टिव परमीबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस थ्रू आउट द सेल मेम्ब्रेन, वो आपके सब्सटेंस को बाहर से सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में या साइटोप्लाज्म से सेल के बाहर मूव करने में मदद करता था। कौन? हमारा साइटोप्लाज्म। लेकिन यहां पे हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वहां पे देखिए रेगुलेट करता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस को किसके किसके बीच में, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म के बीच में। ये इंपॉर्टेंट बात है। चलिए मैं आपको एक वर्ड से इसको समझाने की कोशिश करता हूं। मेरे हाथ में छोटा सा डेमोंस्ट्रेशन है, ये एक बीकर है और इस बीकर में मैंने समझाने के लिए पानी भरा हुआ है, और उसके अंदर एक अंडा है, एक एग है। ये पूरी तरह से जस्टिफाई नहीं करेगा, बट मैं बस इसको मिमिक करने की कोशिश करता हूं, थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आएगा। अगर मैं ये कहूं कि ये मेरा पूरा का पूरा सेल है, जो बीकर है वो पूरा का पूरा सेल है, और सेल के अंदर ये जो वाटर सब्सटेंस देख रहे हैं आप, वाटर सब्सटेंस, मैं अगर इसको ये कहूं कि ये मेरा साइटोप्लाज्म है। So, साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म का हमने देखा कि एक ऐसा लिक्विड जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में पाया जाता है। तो सेल मेम्ब्रेन तो हमारा बीकर हो गया कांच का, आपका जो व्हाइट एग दिख रहा है वो आपका न्यूक्लियस हो गया, तो इन दोनों के बीच में पाया जाने वाला लिक्विड क्या कहलाता है? हमारा साइटोप्लाज्म। लेकिन अभी हमने देखा कि न्यूक्लियस के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो न्यूक्लियस ये हमारा अंडा, अगर इसको मैं एज्यूम करूं तो ये एज्यूम करिए कि ये हमारा न्यूक्लियस है, इसका जो आउटर पार्ट है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है मान के चलिए, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि इसमें परफोरेशन करके दिखाऊं, बट एज्यूम करने में हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत तो क्लियर हो ही जाएगा। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके अंदर के जो कंपोनेंट होंगे, आपका जो एल्बुमिन वाला हिस्सा होगा, ये समझ लेते हैं कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला लिक्विड जिसको हम न्यूक्लियर प्लाज्म कहते हैं, तो उस न्यूक्लियर प्लाज्म के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा इसके रेस्पेक्ट में। तो ये हमारा न्यूक्लियस का रिप्रेजेंटेशन होगा। जब हम न्यूक्लियस के बाद अंदर का पार्ट देखेंगे तो आपको और चीजें समझ में आ जाएंगी कि हम एक के योग को कैसे समझ सकते हैं। चलिए इसको अपने पास रखता हूं क्योंकि अभी मुझे
मुझे और डेमो करना पड़ेगा। तो ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया। अब यहां पे देखिए जो और भी पार्ट्स होते हैं हमारे न्यूक्लियस के वो क्या क्या है, वो है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म और दूसरा है आपका न्यूक्लियाई। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है ये हमने साइटोप्लाज्म के थ्रू देखा हुआ है, उसी से मैच करता हुआ नजर आएगा। जैसा मैंने आपको कहा था पहले साइटोप्लाज्म को समझ लीजिए। साइटोप्लाज्म मतलब ऐसा फ्लूइड सब्सटेंस जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में पाया जाता है, जैसा कि मैंने आपको अभी इस अंडे को इस बीकर में रखे पानी में डिप करके दिखाया था, वो हमारा साइटोप्लाज्म कहलाएगा। अब हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब क्या है, इट इज द फ्लूइड मीडियम ऑफ द न्यूक्लियस दैट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्या है पहले ये पॉइंट देख लीजिए, इट इज द फ्लूइड मीडियम दैट न्यूक्लियस दैट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियस के अंदर जो प्लाज्मा पाया जाता है लिक्विड सब्सटेंस उसे न्यूक्लियोप्लाज्मा कहते हैं। तो अगर ये मेरा न्यूक्लियस है तो इसके अंदर जो व्हाइट एल्ब्यूमिन पाया जाएगा जो कि अभी लिक्विड फॉर्म में होगा, इसको हम एज्यूम कर सकते हैं कि भैया ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। अब उसके बाद एक और पॉइंट समझ में आ जाता है, फिर समझा देंगे दूसरे पॉइंट को, विच कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल होता क्या है, जेनेटिक मटेरियल एक ऐसे मटेरियल होते हैं जिनमें आने वाले जनरेशन को कैरी और मैसेज पहुंचाने के लिए पूरी इंफॉर्मेशन कोडेड फॉर्म में रखी गई होती है। तो जेनेटिक मटेरियल मतलब एक ऐसा मटेरियल जो कि आने वाले जनरेशन को प्रभावित कर सके उसको बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल, और इसके कंटेंट ये करता है हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म। आगे देखिए, इट इज द फॉर्म ऑफ डीएनए, किसमें किसके फॉर्म में, डीएनए के फॉर्म में होता है। दिस फॉर्म सेल्स हेरिडिटरी मटेरियल, ये आगे जाने वाले समय में सेल्स के लिए हेरिडिटरी मटेरियल बनाने का काम करता है, जिसे हम जीन कहते हैं। और ये जीन क्या करने का काम करते हैं, जीन एक स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द सेल की एक्टिविटी के लिए, उसके स्पेसिफिक फंक्शन स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और उसकी जो यूनिट है वो जीन कहलाती है। वैसे आप बायोलॉजी में पढ़ेंगे या तो पढ़ चुके होंगे, तो ये उसके रिस्पेक्ट में है। इसके बाद देखिए जो अगला जो पार्ट है हमारा वेरियस स्ट्रक्चर अंडर द न्यूक्लियस इंक्लूड के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म के बाद न्यूक्लियोलाई। न्यूक्लियोलाई या तो स्फेरिकल शेप में पाया जाने वाला सब्सटेंस है जो कि आपके न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, एंड दे आर कंपोज्ड ऑफ सेलुलर मटेरियल ऑफ डीएनए एंड आरएनए एंड प्रोटीन दैट आर नॉट इनक्लोज्ड बाय द मेम्ब्रेन। हमने देखा कि आपका जो न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन के द्वारा इनक्लोज होता है, जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, बट हमारा जो न्यूक्लियोलाई है वो इस न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। सो मैंने अज्यूम करने को कहा था कि ये जो मेरा एग है ये न्यूक्लियस है, और इसके अंदर जो व्हाइट के बाद एक अलग पार्ट होता है येलो कलर का योक होता है, वो आप यहां पे समझ सकते हैं। अब इसको थोड़ा एज्यूम करिए कि ये कच्चा अंडा नहीं है, ये बॉइल्ड एग है। तो बॉइल्ड एग को जब आप ब्रेक करोगे तो आपका जो व्हाइट पोर्शन है प्रोटीन का वो तो सॉलिडिफाई हो जाएगा, उसके अंदर येलो वाला पार्ट योक वाला पार्ट जो वो भी सॉलिडिफाई हो जाता है। तो हम मान के चलते हैं कि व्हाइट वाला हिस्सा आपके न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और व्हाइट वाले के अंदर जो येलो वाला हिस्सा है वो आपके न्यूक्लियोलस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। और हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाहर में है, उस अंदर वाले न्यूक्लाई में कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो पाया जाएगा नहीं, किस तरह का मेम्ब्रेन पाया नहीं जाएगा, तो ये उसके अंदर के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप कि जो छोटा सा डेमोंस्ट्रेशन है वो कुछ हद तक मिमिक करने की कोशिश करी गई होगी कॉन्सेप्ट के द्वारा। आगे बात करते हैं हम, दे सर्व एज द साइट ऑफ द असेंबली ऑफ द राइबोसोम। ये हमारे डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब्सटेंस है, ये राइबोसोम के असेंबली का पार्ट करते हैं, और ये जो प्रोटीन है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और ये राइबोसोम हमारी प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाती है। अगला पॉइंट कहता है मेनी जीन्स मेक डीएनए, बहुत सारे जीन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक वाले जीन आपस में मिलकर के डीएनए बनाते हैं, और बहुत सारे डीएनए मिलकर के आपस में क्रोमोसोम बनाते हैं, और ये जो क्रोमोसोम है वो एक थ्रेड लाइक सब्सटेंस होता है, थ्रेड लाइक दिखने वाला लीनियर स्ट्रक्चर होता है, किसका, डीएनए का, जो कि कैरी करता है जीन को, और इसी जीन के हिसाब से जो इंफॉर्मेशन है वो आगे आने वाले जनरेशन में मूव करता चलता है। नेक्स्ट है ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन आपके लिए पूछेगा एमसीक्यूज में। नेक्स्ट है क्रोमोसोम आर नॉट डिवाइडिंग, अगर क्रोमोसोम डिवाइड नहीं हो रहा होता है ऐसे केस में ये एक थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर कहलाता है, और इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन। ये भी आपके एमसीक्यूज का क्वेश्चन है, और हमने सारे एमसीक्यूज ऑलरेडी डाल चुके हैं हमारे सॉल्यूशन फार्मेसी के मोबाइल ऐप पे, तो उसमें आप फर्स्ट यूनिट से लेकर के लास्ट यूनिट तक के एमसीक्यूज अभी से देख पाएंगे। इसके पहले के जो भी टॉपिक हमने कवर किए हैं उनके यूनिट वाइज जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो भी ले पाएंगे जब यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसी कई चीजें आपको मिलेंगी, अदर देन एचएपी आपको अलग अलग सब्जेक्ट भी मिलेंगे जो आपके अगले सेमेस्टर से स्टार्ट हो जाएंगे। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो थोड़ी देर बाद मैं यहां से हट जाऊंगा, आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थैंक यू अगेन, टेक केयर।